तो एकदम नई नवेली गाड़ी में पहली बार ऐसे बैठने का मौका मिल रहा है। बोल मैं, देखना आवाज आ रहा है क्या दोनों? हेलो हेलो। तो दोस्तों अभी हमारी सफर की शुरुआत हो चुकी है और अभी हम लोग जा रहे हैं न्यू गाड़ी लेने के लिए। तो सब कुछ इस सफर में दिखाएंगे। देखिए विश्वजीत बैठे हुए हैं। हेलो हेलो। अरे हमारे कैब वाले भाई साहब। तो यहाँ से तकरीबन हम लोग 60 किलोमीटर जा रहे हैं जहाँ पे शोरूम है और वहाँ से हम लोग गाड़ी पिक करेंगे। तो ग्रेटर नोएडा से हमारी जर्नी स्टार्ट हो रही है। तो ऑलमोस्ट 1 घंटा 10 मिनट में हम लोग पहुँचने वाले हैं। तक रास्ते के मजे लीजिए, वहाँ पे चल के आपको गाड़ी दिखाते हैं। की तरफ बढ़ रहे हैं और ऊपर देखिए ये अभी न्यू मेट्रो यहाँ पे बन रही है। घंटा ट्रेवल करने के बाद अभी हम लोग आ चुके हैं हुंडई के शोरूम। दोस्तों ये है पहला न्यू गाड़ी का और अंदर ही हम लोग प्री चेक करने जा रहे हैं। जैसा कि गाड़ी का पहला स्टेप होता है कि आप गाड़ी को सबसे पहले प्री चेक कर लो, तो हम लोग वही चेक करेंगे हर एक चीज डिटेल्स में। गाड़ी तो बहुत ही शानदार लग रही है, तो सबसे पहले प्री चेक करना बहुत जरूरी होता है अगर आप गाड़ी लेने आ रहे हो विदाउट एनी पेमेंट। तो अभी हम लोग फॉर्म 22 भी ढूंढ रहे हैं जिसमें गाड़ी की पूरी डिटेल्स होती है। फॉर्म 22 देना जरा एक बार। तो इसका जो पीडीआई में सबसे पहले अपन देखते हैं इसका जो साइड वाला बम्पर है, बम्पर में कहीं स्क्रैचेस वगैरह तो नहीं है, क्योंकि गाड़ी यहीं से मोस्टली लगती है ना। जब निकालते बाद इधर उधर खड़ी करते हैं तो यहीं से अपना लगता है, या फिर के जो अलॉयस होते हैं ना, अलॉयस में ये लोग फंसा के लाते हैं। जब गाड़ी वाला होता है कि चैन में फंसा के ला रहा है तो चैन कहीं ज्यादा रगड़ जाती है तो बहुत ज्यादा ऊपर जाते हैं। ये प्री चेक में चेक करना है। हाँ, पीडीआई। इसके बाद डोर हैंडल पे चेक करते हैं कि कहीं अंदर, जैसे कहीं लोग अंगूठी पहन के बार बार इसे खोलते बंद करते रहते हैं ना, तो अंगूठी वगैरह लग जाती है तो कोई स्क्रैचेस वगैरह ना पड़े हुए हैं। जैसी पीछे वाली साइड हो गई, कई बार गाड़ी यहाँ से छू जाती है तो सबसे ज्यादा गाड़ी इधर से छूती है, प्रॉब्लम होती है यहाँ से। तो देखो यहाँ दिखा सकते हैं ना कि अभी 11 किलोमीटर चली हुई है, यानी मैं भी ले जाने में लेके आया हूँ। 4 या 100 के अंदर होनी चाहिए, डिपेंड करता है कि कई बार होता है ना कि जो ये आपका गोडाउन है दूर होता है। अच्छा, तो वहाँ से ले जाने या आने में काफी किलोमीटर हो जाता है। बट कई बार क्या होता है कि 100 किलोमीटर से ऊपर होने का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो यही गाड़ी ये लोग उस पर चला रहे हैं ट्रायल पे, लेके जाते हैं उसको ट्रायल देने के लिए, ट्रायल लेने के लिए काफी देते हैं। तो कई बार यही गाड़ी पता चले यही गाड़ी ट्रायल पे चल गई हो, कोई कैसे चला रहा है, कोई कैसे चला रहा है, यही गाड़ी तुम्हें पकड़ा। सारे बटन एक बार चेक कर लेते हैं कि सारे बटन प्रॉपर वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर रिवर्स गियर डालूं तो ये कैमरा एक्टिवेट हो गया। कार के स्क्रैचेस वगैरह देखने हो ना तो हमेशा से साइड से देखने चाहिए कि वो स्क्रैच ना एकदम निकल के आता है, पता चलता है कि आसानी से दिख जाता है। प्री चेक कर रहे हैं विदाउट पेमेंट, अगर कोई स्क्रैच वगैरह है तो हम लोग वही बात कर लेंगे। ज्यादा चीजें चेक कर ली है, पीछे थोड़ा सा हमें स्क्रैच यहाँ पे दिखाई दे रहा है यहाँ पे, तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। बाकी सही लग रहा है मोस्ट ऑफ थिंग्स। वैसे बेसिक हमें जब बहुत ज्यादा पता तो होता नहीं, बस ये देख लेते हैं कि वायर वगैरह कोई ज्यादा कटी हुई तो नहीं है। B23-06K788 यानी कि 2023 में 6 मंथ में यह सीएनजी चेक कर लिया। अभी बहुत सही तरीके से आपको प्री चेक करना है बिफोर एनी पेमेंट। एक इशू बताया है उस पर अभी काम करेंगे जो हल्का सही। अभी हम लोगों ने प्री चेक कर लिया है और इसीलिए बोलते हैं कि प्री चेक करना बहुत जरूरी होता है। बहुत हल्का सा स्क्रैच है तो उसके बारे में मैंने बोल दिया है, तो अभी उसके ऊपर काम चल रहा है, पेपर वर्क चल रहा है, पेमेंट हमने कर दिया है सब कुछ चेक करने के बाद। और अभी लंच का टाइम हो गया है, भूख लग गई है तो कुछ खा के आते हैं। यहाँ पे आ गए हम लोग छोले कुलचे खाने के लिए। जो इंश्योरेंस वाला उसके पास पहुंचवा दो बस ही पैसे। एसी चल रहे हैं, मजा आ गया।
शेखर के पास था। तो एकदम नई नवेली गाड़ी में पहली बार ऐसे बैठने का मौका मिल रहा है, कैसा फील कर रहे हैं गुरुजी आप? मैं बहुत बढ़िया, पहली गाड़ी है मेरी यार। Wait a minute. तो दोस्तों ये मेरी पहली कार नहीं है, पहली कार विश्वजीत की है। हम दोनों पिकअप करने के लिए गए थे और एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, क्योंकि रात में मैंने एक पोस्ट डाला जो कार के साथ था, मैंने फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे। नेक्स्ट इवनिंग को मैं आके देखता हूँ, बहुत सारे कमेंट्स आए थे, बहुत सारी बधाइयां आई हुई। तो गाइस बेसिकली मेरी भी प्रायोरिटी नहीं है गाड़ी लेने की, क्योंकि अभी मेरे को नीड फील नहीं होता है। आई थिंक आज के टाइम पे अगर आपको जरूरत है तभी आपको गाड़ी लेनी चाहिए, वाइज ऑलरेडी इतना पोल्यूशन है, इतना ट्रैफिक है, तो इसमें आप अपना योगदान ना दें। जैसे हम लोग पहली बार गाड़ी खरीदने के लिए आए हैं और हमें पता नहीं था कि यहाँ पे जितने लोग भी काम करते हैं उनको पैसे देने होते हैं शुभ काम में। तो अभी हम लोग शायद थोड़ा सा चेंज मिल गया होगा तो मैं भी काम आ जाए, हमारा थोड़ा इज्जत बच जाए। तो अभी हम लोग भी धीरे धीरे सीख ही रहे हैं। राइट लेफ्ट स्टार्ट। जय भोलेनाथ, जय बजरंग बली। सुबह आ गए थे तकरीबन 11 बजे तक और अभी यहाँ से निकल रहे हैं, 4:17 हो रहा है। ग्रेटर नोएडा तक जाने में देखते हैं कितना टाइम लगता है, उधर से तकरीबन 1 घंटा 10 मिनट के आसपास लगा था। तो अभी हमारा न्यू फास्ट ट्रैक भी एक्टिवेट हो चुका है, दिस इज आवर फर्स्ट ट्रोल। कितना लेने वाले हैं यहाँ पे? 40 पे आ गए हम लोग ग्रेटर नोएडा। ओम सप्तनिंद्रो गतवान मुखा विश्ववेदाः प्रोसेस से काफी कुछ सीखने को मिला, शानदार एक्सपीरियंस था। मैं अपनी फैमिली का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट हूँ तो डायरेक्टली कार पे इन्वेस्ट करूँ या डायरेक्टली कार खरीदूँ तो मेरे लिए सही नहीं है। तो मेरी खुद की कुछ प्रायोरिटीज हैं, उनके बेसिस पे धीरे धीरे मैं आगे बढ़ूंगा। कि गुरुजी ने कार लिया, मतलब विश्वजीत ने कार लिया, तो काफी अच्छा लगा मुझे और ऐसा फीलिंग हो रहा था कि मतलब खुद की कार है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे। एक बहुत बड़े यूट्यूबर से मिलने जा रहा हूँ, नेक्स्ट ब्लॉग आपको देखने को मिलेगा। बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन नेक्स्ट ब्लॉग।